वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है केवल पीडी एम्प्लॉयज़ के लिए जिनके बिल प्री पे मैनेजर पर बनते हैं। प्री पे मैनेजर एम्प्लॉयज़ के अगर मई माह यानी प्रीवियस मंथ के सैलरी बिल ईसीएस हो गए हैं तो उनकी जीपीएफ 2004 के नाम से जो कटौती कर रखी थी वो एक महीने की कटौती यहाँ पर कम कर देनी है। अगर आपको ये चेक करना है कि बिल ईसीएस हुआ है या नहीं तो वो भी आप कर सकते हैं चेक। यहाँ पर होम पेज पर रिपोर्ट मीनू, रिपोर्ट आफ्टर डीडीओ रिपोर्ट और डीडीओ रिपोर्ट में ग्रुप वाइज रिपोर्ट में ईसीएस कैश बुक, यहाँ पर इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो बिल यहाँ पर प्रीवियस मंथ का है, ईयर ऑलरेडी सेलेक्ट है, प्रीवियस मंथ को आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका प्रीवियस मंथ है और बिल नेम और डेट और शो रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे रिपोर्ट डाउनलोड ओपन होकर आ जाएगी। अब इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट, टीवी नंबर वगैरह वो टोटली डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा। दूसरा तरीका, ऑथराइजेशन टैब में वी विल स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट आफ्टर सैलरी और सैलरी में यहाँ पर प्रोसेस बिल पास, यहाँ पर उसका टोकन नंबर वगैरह सब कुछ जारी हुआ बता रहा है। तो यहाँ पर ये बिल ईसीएस हुआ है नहीं, ये कन्फ्यूज़न आप आसानी से दूर कर सकते हैं। डिडक्शन में सुधार आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर बल्क डिडक्शन में जाकर भी कर सकते हैं और एम्प्लॉई पे डिटेल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पे मैनेजर में तो ये डिडक्शन ऐटो अपडेट है, बट प्री पे मैनेजर एम्प्लॉयज़ के लिए प्रीवियस मंथ की सैलरी के साथ में डीडीओ द्वारा ये अपडेशन सेल्फ हुआ था, इसलिए ये विगत दो महीनों की डिडक्शन यहाँ पर शो हो रही है। तो इस डिडक्शन को केवल एक महीने करना है क्योंकि जून के बिल प्रोसेस होने की तैयारी में है और ऐसा नहीं हो कि किसी एम्प्लॉय को नुकसान हो जाए और डबल डिडक्शन हो जाएगा। तो इस डिडक्शन को आप बल्क डिडक्शन में जाकर भी एडिट कर सकते हैं या फिर आप एम्प्लॉय पे डिटेल्स को लॉग इन करें। एम्प्लॉय पे डिटेल्स है अभी विदाउट ओटीपी है और इससे भी आप इस डिडक्शन को आसानी से एडिट कर सकते हैं। या फिर ये डिडक्शन है इसको आप यहां से एडिट कर सकते हैं, ये डबल डिडक्शन है यानी कि इसमें अमाउंट आप सेलेक्ट करके 2850 यानी 2850 इंटू डबल करेंगे तो 5700 रुपये, तो ये यहां पर ये डिडक्शन हो गया 2850 जो पहले 5700 रुपये था। ऐसे ही जो एनपीएस एम्प्लॉई है तो उसका डिडक्शन यहां पर आपको एडिट कर लेना है, जैसे 4200 है तो 4200 का वन टाइम 2100 अपडेट। तो यहाँ पर ये जैसे ही जून की सैलरी प्रोसेस होगी तो जो वास्तविक डिडक्शन है वही यहाँ पर डिडक्ट होगा, अदरवाइज डबल डिडक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये करंट जानकारी थी प्री पे मैनेजर रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।